अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के व्यूअर्स के लिए हमेशा की तरह एक्सपर्ट ओपिनियन और मेरे साथ बाबर मलिक साहब मौजूद हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो सा है हमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमेशा करते हैं। तो बाबर मलिक साहब, आज मैं चाहूँगा कि आप वो सब्जेक्ट चूज करें जो आप समझते हैं कि जिस पर आज हमें बात करनी है, और कोशिश हमारी होगी कि मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम किसी न किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोग्राम। कोशिश करेंगे कि आज एक ही सब्जेक्ट चूज करें और आप बताएं कि आज आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो उस पर हम बात करते हैं। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जी बिल्कुल, आई थिंक ये बेहतर आपका आपकी सोच है कि एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करके प्रोग्राम किया जाए। आपने पिछली दफ़ा कहा था कि वैल्यू एडेड प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम के एंड पे आपका ख्याल था कि कुछ वैल्यू एडेड के ऊपर कोई बात की जाए। तो वैल्यू एडिशन के हवाले से अगर शुरुआत करनी है तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो डिहाइड्रेशन है इससे बात शुरू की जा सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिससे आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की लाइफ भी बढ़ा लेते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, क्योंकि डिहाइड्रेशन में पानी कम होने की वजह से, पानी हाइड्रेट होने की वजह से उसका वजन कम हो जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आसान हो जाती है, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस भी बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा प्रोसेस है वैल्यू एडिशन के हवाले से। और इसकी जो दूसरी खासियत है वो ये है कि इसमें बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हो जाते हैं। एक छोटे फार्मर जो बिल्कुल छोटे से लेवल पे काम कर रहा है, मे बी उसके पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है और उस पर कोई वेजिटेबल या फ्रूट उगा रहा है, वो भी डिहाइड्रेशन कर सकता है। और इसके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी किए जा सकते हैं जो कि लार्ज साइज कॉरपोरेशन के लिए सूटेबल होते हैं। इसी तरह ऐसे मॉडल्स भी हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए हों। तो एक एक अच्छी डिवर्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एक तरफ तो बहुत सारी किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दूसरा ये कि एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रोथ वगैरह भी अच्छी एक्सपेक्टेड है। जी बाबा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हम इन्हीं पर बात करें। तो आज फिर ड्राई फ्रूट में आप किस चीज को चूज करना चाहेंगे? जी डिहाइड्रेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ये मतलब जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि मल्टीपल फ्रूट्स, डिपेंडिंग ऑन कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट अवेलेबल है, कौन कौन सा फ्रूट सस्ते दामों में अवेलेबल है, और मल्टीपल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स अच्छे दामों में अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे उसकी सिलेक्शन की जा सकती है। असल इसमें मकसद ये होता है कि जब सीजन किसी फ्रूट या वेजिटेबल का आता है और बेतहाशा मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो फार्मर को या प्रोसेसर को उसकी अच्छी प्राइस नहीं मिलती उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर उसको प्रिजर्व करने का कोई तरीकेकार बना लिया जाए, उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाए, तो ऑफ सीजन में जब इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो जो प्रिजर्व फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। मैं अगर आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल की मिसाल दूं, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आप तमाम किस्म के सिट्रस फ्रूट्स पे कर सकते हैं, जिसमें लेमन, ऑरेंज, कीनू वगैरह सब शामिल हैं। मैंगो की तमाम वैरायटियों पे ये काम किया जा सकता है डिहाइड्रेशन का। गवावा, ये जो अमरूद है, उस पे भी ये हो सकता है। इसी तरह पीच है, एप्रिकॉट, अंगूर, ग्रेप्स, एप्पल्स, खजूर, डेट्स, स्ट्रॉबेरी, तो वो तमाम तर फ्रूट जो पाकिस्तान में उगाए जाते हैं उनको डिहाइड्रेट किया जा सकता है। इसी तरह वेजिटेबल्स में भी टमाटोज, आपको पता है ड्राइड सन ड्राइड टमाटोज दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। अनियन, कैरेट्स, स्पिनच, चिलीज, मिर्चें तो भारत सुखा के वो घर में खानों में इस्तेमाल होती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की गोट से करेला वगैरह सारा, इन सबको जो है डिहाइड्रेट किया जा सकता है। इसी तरह फ्लावर्स में भी डिहाइड्रेशन की जाती है, फ्लावर पेटल्स को उनके डिहाइड्रेट करके घरों में सजावट के लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा वो परफ्यूम्स अगर लगा दिया जाए तो उससे उसकी खुशबू का एक बेस के तौर पे, मटेरियल के तौर पे भी वो घरों में सजावट के अलावा खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस
कल्चर के तमाम जो आइटम्स हैं उनके लिए किया जा सकता है। अच्छा बाबा साहब, ये जो भी आपने आइटम्स बताई हैं, ये कोई मतलब इसके प्रोसेस जो करने में ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव आइटम है या इसको आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि हमारे भी इसको अंदाजा हो सके। जैसे हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी अगर ओवरसीज बंदा यहाँ से जाके किसी किस्म का काम शुरू करना चाहता है तो वो इसको कैसे प्रोसेस कर सकता है, बिगिनिंग इसमें क्या क्या इसकी फील्ड है, थोड़ा सा ये बताएं ताकि फिर इस बात को आगे लेके चले। जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत ज्यादा रेंज है डिहाइड्रेशन के अंदर बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करने की। बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे हमारे बड़े जो हैं वो हमें बताते हैं कि उनके घरों में उनको जो है वो जो भी सीजनल फ्रूट या सीजनल वेजिटेबल अवेलेबल होता था देहातों में खास तौर पे और इवन शहरों में भी, उसको डोरी में परो के तो गर्मी के दिनों में तो लटका दिया जाता था और वो कुछ दिनों में वो जो डोरी में परोया हुआ फलियाँ सब्जी है वो खुद ही डिहाइड्रेट या ड्राई हो जाती थी। तो इतने एक तो इसकी पुरानी हिस्ट्री हमारे रीजन में मौजूद है, वक्त के साथ अनफॉर्चुनेटली वो उस किस्म की डिहाइड्रेशन ख़त्म हो गई। हमारे फ्रिज आ गए घरों में तो वो मुख्तलिफ तरफ हम लोग निकलते गए, लेकिन और फिर मतलब पहले होता ये था कि आप अपने वेजिटेबल्स जो हैं अक्सर देहातों में खुद ही आपकी फील्ड में उगते थे तो वो अच्छी वॉल्यूम में भी आ जाते थे, तो डिहाइड्रेट करके रखने में वो होता ये था कि काफ़ी अर्से 4-6-8 महीने उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो अब आहिस्ता कल्चर वहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन इस पूरी एग्जाम्पल को, इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल कॉटेज लेवल पे जो है बड़े सिंपल तरीके से भी डिहाइड्रेशन का काम किया जा सकता है। काम बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हवा, एक गर्म हवा को जो है पास थ्रू किया जाए किसी भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल या फ्लावर्स के अंदर से, उनके डाइसेस वगैरह थोड़े से बना के काट के उसको उस हवा के उस टेम्परेचर पे रखा जाए, उस हवा को उसमें से पास करवाया जाए, तो वो बैच सिस्टम होता है, ये वो एक बैच जो है वो 2-3 दिनों में डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये उसका एक बुनियादी फंक्शन या बुनियादी तरीकेकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे हमारे बड़े उसको डोरी में लटका के भी ये काम कर लिया करते थे, आज भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल सिंपल सन ड्राइंग की जाती है कि वो सूरज की रोशनी में रख देते हैं, अगर मिर्चें हैं तो मिर्चों को रख दिया जाता है, प्याज को बिल्कुल इस तरीके से सन ड्राइंग की जाती है कि बिल्कुल खुली फील्ड में नीचे वो तरपाल सी बिछा के उसमें डाल दिया जाता है, खजूरों को इस तरीके से ड्राई किया जाता है। तो कुछ ऐसी सब्जियां, फल फ्रूट हैं जो कि आज भी बड़ी मकदार में सिंपल सूरज के नीचे जो है ना उनको रख के उसकी डिहाइड्रेशन कर दी जाती है। ये तो बड़ा सिंपल और सीधा साधा सा सिस्टम है। आगे अगर आप हम चलेंगे तो फिर इसके जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं जो किसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए या थोड़े से बड़े फार्मर लेवल पे करने के लिए, वो उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ और मैं वहाँ से ये प्रोडक्ट डिहाइड्रेट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ या छोटी सी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ कि इस सारे प्रोसेस को आगे लिया जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उसका मेथड क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। जी देखिए, पाकिस्तान में जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कस किया कि कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए। आपको एक बुनियादी स्पेस चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए, प्लस एक सीधा सा नेशनल टैक्स नंबर की रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक कारोबार के तौर पे आपको टैक्स नंबर चाहिए। तो वो स्पेस आप प्रोक्योर कर लें जहाँ पर आपने ये अपना सेटअप लगाना है और अपना नेशनल टैक्स नंबर जो है वो ले लें, तो आप ये कारोबार का आगाज कर सकते हैं एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तौर पे। अच्छा, ये जो सेटअप है ये खासा मतलब ये जो आप कह रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस अभी भी आप बता रहे हैं कि अगर आपने इसे कमर्शियल लेवल पे करना है, एक तो पुराना मेथड हो गया,
तो उसके लिए किस तरह की इक्विपमेंट लगानी पड़ती है और इसकी किस तरह की कॉस्ट है, थोड़ा सा वो बताइएगा जी। ये सन ड्राइंग के अलावा जिसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली है, इसकी जो तीन चार किस्म के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं या बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके बुनियाद पे इस काम को किया जा सकता है, उसमें जो सबसे पहला और रिलेटिवली आसान जो एक फार्मर, एक छोटा फार्मर या मीडियम फार्मर भी जो है वो कर सकता है, वो है सोलर टनल ड्राइंग का। उसके अलावा फिर इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग का भी सिस्टम आ जाता है, वो उसको भी डिस्कस करते हैं। फ्यूल बेस्ड ड्राइंग का भी आ जाता है जहाँ पे आप फ्यूल को इस्तेमाल करके हीट जनरेट करते हैं और उससे ड्राई करते हैं, वो भी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर चौथी टेक्निक जो है वो हाइब्रिड की है, जहाँ पे आप सोलर टनल और जो आपका फ्यूल बेस्ड है उनको हाइब्रिड करके भी उसकी ड्राइंग करते हैं। अगर वन बाय वन आप कहते हैं तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। मेरे ख्याल में वन बाय वन करें, उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी बंदा इसमें इंटरेस्टेड है तो उसको एक तो मेथड पता लग जाएगा और किस तरह की रफली फिगर क्या एक्सक्यूज मी रफली क्या फिगर्स लगते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे लेके चली जा सकती है। जी जी, तो सोलर टनल ड्राइंग से शुरुआत कर लेते हैं। ये टेक्निक तो बहुत आसान है, आप बेसिक नॉर्मल फार्मर जो जिसके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो भी इस काम को कर सकते हैं, और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ फार्मर्स कर भी रहे हैं इस काम को, और मेरी नज़र में स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे भी इस काम को लेके जाया जा सकता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप सिंपल सरिये की या जो आपकी आयरन की रॉड्स हैं उनको बेंड करके एक यू शेप में बेंड करके ज़मीन में खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर एक सिंपल सा प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वो जो प्लास्टिक है उसका मकसद ये होता है कि जो धूप है, जो गर्मी आनी है सूरज की, वो उस टनल के अंदर कैप्चर हो सके, क्योंकि आम तौर पे हमारा जो एम्बियंट टेम्परेचर है पाकिस्तान के अंदर वो गर्म से गर्म महीनों में भी 47, 48, 49 के करीब होता है। हमने पहले जिक्र किया कि ये इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो 55 से 70 के बीच में, डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ज़्यादा आइडियल टेम्परेचर ये होता है। तो जब आप टनल एक लगा देते हैं, प्लास्टिक टनल एक क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हीट को कैप्चर किया जा सके बंद करके सूरज की हीट को, तो वो जो टेम्परेचर है वो उस लेवल पे चला जाता है। और उसमें दूसरी इसमें चीज़ ये होती है, इसका दूसरा फायदा ये होता है एक इस चीज़ से कि वो हीट कैप्चर करके आप डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्पीड अप कर देते हैं, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आप बहुत सारी कंटेमिनेशन से अपने फ्रूट को बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मीठा फ्रूट है, सेब है, आम है, तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ मच्छर अगर उनको खुला हो जाए तो वो आ जाते हैं। अगर आप टनल टाइप स्ट्रक्चर लगा के उसके अंदर इन चीज़ों को प्लेस करें डिहाइड्रेशन के लिए, तो बाहर से किसी किस्म की बेशक वो मिट्टी की शक्ल में हो या धूल घट्टे की शक्ल में हो या कोई पेस्ट हो, वो बाहर से अंदर नहीं एंटर हो सकता, जिसकी वजह से वो एक सफाई और फूड सेफ्टी का भी स्टैंडर्ड जो है वो इसमें मेंटेन हो जाता है। तो ये टनल बेस्ड इसमें सिर्फ दो चीज़ों की एहतियात रखनी ज़रूरी है। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सूरज की रोशनी से डिहाइड्रेशन नहीं होती बल्कि गर्म हवा से डिहाइड्रेशन क्रिएट की जाती है, तो आपको अपनी टनल के अंदर चंद इनलेट्स, हवा के इनलेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं बेस के करीब, यानी कि जो बुनियाद है जिस जगह पे वो टनल खड़ी है वहाँ पे आपको जाली सी लगा के हवा के अंदर आने के लिए एक इनलेट बनाना पड़ता है, और इसी तरह ऊपर चिमनी लगा के एक आउटलेट बनाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस में होता ये है कि वो एक हवा बाहर से अंदर आती है, सूरज की रोशनी की वजह से, टनल की गर्मी की वजह से वो गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ, उसका वजन हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो जो फ्रूट वहाँ पे पड़ा होता है, मुख्तलिफ शेल्स में आप फ्रूट लगा देते हैं वहाँ पे, तो वो फ्रूट्स में से पास करते हुए जब ऊपर जाती है तो वो सारा मॉइस्चर अपने साथ लिफ्ट कर लेती है फ्रूट का, और वो फिर आगे जो चिमनी लगी होती है उससे वो बाहर निकल जाती है। तो एक हवा का एक फ्लो बन जाता है कि नीचे से इनलेट आती है, गर्म होकर वो ऊपर उठती है, फ्रूट से जो है मॉइस्चर कलेक्ट करती है और ऊपर से चिमनी से बाहर निकल जाती है। तो ये एक इसका सिंपल सा प्रोसेस है। ये आप जो टनल की बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करें, हमारे लोग टनल को कोई बहुत बड़ी चीज ना समझ लें,
ये टनल थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से प्लास्टिक की शीटिंग उस पर चढ़ाई जाती है, उसको टनल कहते हैं, और जो सूरज की रोशनी है उसके लिए तो फिर आपको ओपन में रखना पड़ेगा, तो जब आप उसको हवा देते हैं तो क्या उसके आगे पीछे आपको कोई दीवार खड़ी करनी पड़ती है या जो कोई कमरा होता है या ये ओपन में सारा कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, आप आपको ओपन में रखना है उसका, उसमें ये जरूर कर सकते हैं कि उसकी फ्लोरिंग बेहतर तरीके से कर लें, वो मिट्टी के फ्लोर ना हो, थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे तरीके के फ्लोर बना लिए जाए, सीमेंटेड कर लिया जाए अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, वरना सिंपल प्लास्टिक के शॉपिंग वो जो मल्चिंग के लिए अक्सर फार्मर्स प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब मकसद ये है कि नीचे की धूल मिट्टी जो है वो कंटेमिनेशन ना क्रिएट करें, तो वो एक सिंपल सा फ्लोरिंग आपको चाहिए होती है जो कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर ले, सरिये का आप यूँ बेंड करके सरिये 15 फुट 20 फुट का सरिया ले लें, उसको बेंड करके जो है वो यू की शेप बना के 5-10 सरियों को आप बांध के खड़ा कर लें, डोरी से उनको आपस में कनेक्ट कर लें, और ऊपर सिंपल ट्रांसपेरेंट जो ये जो आपका आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस वाला प्लास्टिक जो होता है वो सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ऊपर चढ़ा दें, तो उससे जो है ना आपका सारा सेटअप तैयार। तो बीच में आप जो सारा फूड लगाते हैं वो शेल्फ, उसकी शेल्फ बनानी पड़ती है या वो, ये तो आपने उसका फ्रेम बता दिया ना, तो उसकी शेल्फ बनानी पड़ती है? शेल्फ का सिर्फ एक बेनिफिट होता है, आप जरूरी नहीं है कि आप शेल्फ बनाएं, शेल्फ का सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ लेयर्स में जब आप फ्रूट लगाते हैं तो एक छोटी टनल में भी काफ़ी सारा फ्रूट जो है ना वो शेल्फ की शक्ल में, लेकिन शेल्फ के लिए ऑब्वियसली ये ज़रूरी है कि वो फिर शेल्फ किसी ऐसे मटीरियल का हो जिसमें से हवा नीचे से ऊपर गुजर सके, वरना नीचे वाले जो हैं वो तो हाइड्रेट हो जाएंगे, ऊपर वाले जो हैं यानी कि वो सॉलिड बेस नहीं हो सकती। आप बता रहे हैं, मैं उसकी टेक्निकलिटी में घुस गया हूँ, वो तो ऑब्वियसली अगर इन फ्यूचर अगर आपके पास ऐसी कोई पिक्चर्स हो वो हमसे शेयर कर लीजिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके। अच्छा, ये जो टनल आप जिसकी बात कर रहे हैं ये कितना कॉस्टली है? हाउ कॉस्टली इज दिस रफली? अगर मिसाल के तौर पे इसकी कोई साइज भी होगा, कितना उसमें से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्या टाइमिंग है, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मिसाल के तौर पे आपने 2 मन या 3 मन या 4 मन का सामान रखना है, ये क्या उसकी कोई प्रोडक्शन की भी तो कोई लेआउट है कि नहीं? जी, मतलब ये तो सिर्फ मैं डिहाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उससे पहले एक पूरा प्रोसेसिंग का एक सिस्टम है, पहले भी आपको वेजिटेबल को तैयार करने के लिए एक प्रोसेसिंग का सिस्टम चाहिए, जब एक दफा डिहाइड्रेट हो जाती है उसके बाद भी उसकी पैकेजिंग वगैरह करनी है, उस पर अभी अगले स्टेप पे जाएंगे, जब ये सारी टेक्नोलॉजीज को एक दफ़ा हम कवर कर लेंगे जिन टेक्नोलॉजीज के थ्रू डिहाइड्रेट किया जाता है, तो फिर उस प्रोसेस फ्लो को भी एक दफ़ा हम देख लेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस फ्लो रिगार्डलेस ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्निक जो है वो एक जैसा ही है, तो डिहाइड्रेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने के बाद प्रोसेस फ्लो को भी देख लेंगे। आपने कॉस्टिंग की बात की, तो ये तो बहुत सस्ता तरीकेकार है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली ये तरीके का सर्दियों के महीनों में कारामद नहीं है, लेकिन साल में 7 से 8 महीने यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है उस, और वही महीने हैं जिसमें ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पाकिस्तान में ग्रो किए जाते हैं, तो आप तकरीबन मोर और लेस अपने तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को पूरे साल तकरीबन 8-9 महीने डिहाइड्रेट इस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। अब ये आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आप बेशक चाहें तो हज़ारों टन के लिए जो है ना वो एकड़ों पे टनल लगा लें, वरना दूसरा अगर छोटे लेवल से शुरू करना है तो एक आपकी जो जो डिनर टेबल है इसके साइज की भी टनल बनाई जा सकती है, तो इसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसके ऊपर साइज की कोई रुकावट नहीं है, आप 2 सरिये जोड़ के एक ये जो आपकी डिनर टेबल होती है तो एक उस साइड पर सरिया लगा या एक बैंड लगा दें, एक इस साइड पर बैंड लगा दें, और प्लास्टिक कितने का होगा, 500-600 रुपए का, मे बी 800 रुपए का, 1000 रुपए का, ये छोटा सा टेबल जितना स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, तो ये तो बहुत ही सस्ती टेक्निक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, और यही वजह है कि मेरी नज़र में इस टेक्निक को पाकिस्तान में पॉपुलर होना चाहिए, और क्योंकि ये इसके सस्ते होने से फार्मर्स को बहुत फायदा है, जरूरी नहीं है कि इस टेक्निक को करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ही आए, ये तो कोई फार्मर जिसकी सब्जी का रेट बहुत ज्यादा जिन दिनों में गिर जाता है तो वो या
फल का रेट बहुत खराब जिन दिनों में हो जाता है, मार्केट ग्लट कर जाती है, तो वो खुद ही इनको काट के साफ करके, काट के ट्रेज में लगा के टनल में डाल के दो दिनों में डिहाइड्रेट करके रख ले, और जब वो मौसम बेहतर हो तो उसको वो प्लास्टिक में पैक करके जरा एयर टाइट रखना पड़ता है, तो उसके बाद वो उसको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को बेच सकता है। तो ये टेक्निक जो है ना, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी इसको आगे जब पूरी दुनिया में भेजते हैं फ्रोजन करना, ये अभी आप आगे बताएंगे कि क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। डिहाइड्रेशन की तो मौज ये है ना जी, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इसकी जो प्रोसेस है वो भी महंगा नहीं है, और जो उसकी प्रिजर्वेशन आपने की होती है वो भी बहुत, यानी कि ना आपको कोई फ्रीजर का खर्चा लेना है, ना आपको किसी महंगे से कैन में या सेप्टिक में उसको डालना है, तो बड़ा सीधी सी आप उसको करेंगे डिहाइड्रेट करके एक प्लास्टिक के बैग में, फूड ग्रेडेड प्लास्टिक के बैग में मशीन के साथ सील कर दें, उसमें बस हवा बाहर से, मॉइस्चर और हवा बाहर से आपने रोकनी है, और वो 2-2.5 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। एक दफा प्रॉपरली डिहाइड्रेट हो जाए, प्लास्टिक के बैग में एयर टाइट बंद कर दिया जाए, तो फिर 2-2.5 साल इसको कुछ नहीं होता। तो वो आगे भी एयर टाइट की बात की है, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि एक जमाने में मैंने फ्रोजन फूड का काम किया है, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट पैक करते थे तो हमारे पास जो प्लास्टिक में जिसमें डालते थे तो उसमें पहले वो उसकी ऐसा करती थी, क्योंकि आप उसके बीच में भी होता है, तो आप क्या समझते हैं वो इस तरह की मशीन लगाई जाती है, जब आप उसको डालते हैं उसकी आप एयर जो ऑलरेडी उसके बीच में रह जाती है उसको कैसे निकालते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ। इतनी कोई मजबूरी नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत अगर हवा उसमें पैकिंग के टाइम पे रह भी जाती है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जो हमारा एक्सपीरियंस था कि जिस भी से फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट में अगर हमने एयर नहीं निकाली, ठीक है, तो उसमें अगर हम उससे फ्रोजन किया या आगे किया तो उसके आगे पीछे आइस जम जाती थी, तो वो प्रोडक्शन की जो देखने में भी उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, मार्केट प्लेसेस में भी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं रहती थी, वो ऐसे ही लगता था कि अगर आपने उसको फ्रोजन भी कर दिया है, ऑब्वियसली वो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है जब आपने कहीं एक्सपोर्ट करना है, या जो ये सारा ड्राई करने का होल मकसद ही यही है कि ऑफ सीजन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसकी शेल्फ लाइफ के लिए किस तरह की इक्विपमेंट और किस तरह की चीजें की जाती है। देखें, जो आपने इसकी शक्ल और सूरत की बात की उसका ताल्लुक इसकी वो पैकेजिंग से किसी हद तक है, लेकिन इसकी डिहाइड्रेशन से पहले इसको जिन मरलों से गुजारा जाता है उस पर इसका इनसार ज़्यादा है। तो जहाँ तक इसको एक दफ़ा एयर टाइट बैग में डालने की बात है, उसमें आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है जो कि बीच में से हवा साफ करे, बस आप सिंपली ये करें कि इसको उस फूड ग्रेडेड प्लास्टिक के अंदर डालें और उसको मशीन के थ्रू सील कर दें। अगर थोड़ी बहुत एयर उसके अंदर रह जाती है तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 साल तक तकरीबन पहुंच जाती है इस प्रोसेस को करने के बाद। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो बाकी 2-3 टेक्निक्स हैं क्विकली उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो टेक्निक है इसमें इसका जो नुकसान है वो ये है कि ऑब्वियसली ये कोई हैसप सर्टिफिकेशन या फूड की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन हैं, शायद इस टेक्निक में इस किस्म की सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हैसप के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक प्लास्टिक टनल में तो शायद मीट नहीं हो सकेंगे। इस किस्म की डिहाइड्रेशन लोकल मार्केट और लोकल डिमांड के लिए तो की जा सकती है जो टनल में की जाती है, लेकिन शायद इंस्टीट्यूशनल बायर जो कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिमांड करते हैं, बेशक वो पाकिस्तान में हो या इंटरनेशनल बायर जो है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट ये वाला सेटअप पूरी नहीं कर सकेगा। लोकल डिमांड के हवाले से ये ठीक रहेगा। उसको उसमें फिर 2-3 ऑप्शंस आ जाती हैं, इनमें से जो एक ऑप्शन है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूरज की गर्मी ज़्यादा, ये टेक्निक्स जो है ये यूरोपियन मुल्कों में अडॉप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी खासी एम्बियंट यानी कि गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है।
इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग के अंदर आप करते ये हैं कि उसी तरह एक टनल बनाते हैं, उस टनल के अंदर फ्रूट रखने की बजाय सिर्फ गर्मी उस टनल के अंदर कैप्चर की जाती है। ठीक है, अक्सर उसमें गर्मी को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी जो बेस है उसके ऊपर काला रंग कर दिया जाता है। काले रंग में आपको पता है गर्मी ज्यादा अब्सॉर्ब होती है। उसके बाद एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू उस टनल के अंदर जो गर्मी आपने क्रिएट की है उसको एग्जॉस्ट फैन के थ्रू आप एक कैबिनेट के अंदर लेके जाते हैं। एक क्लोज इनक्लोज्ड कैबिनेट आपने बनाई होती है कंटेनर की तरह, जिस तरह आपके कंटेनर होते हैं शिपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के कंटेनर के अंदर वो हवा आप एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू वो उस हवा को इंडक्ट करते हैं। और फिर इस सिस्टम के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जब गर्मी गर्म हवा अंदर आई, जब टेम्परेचर एक खास लेवल तक पहुंचा तो उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो ये एग्जॉस्ट फैन को ऑटोमेटिकली जो है वो मशीन बंद कर देगी ताकि मजीद गर्मी फिलहाल अंदर ना आए। दूसरा उसका साइड से भी कंट्रोल होता है, उसके जो हवा के बाहर निकलने के लिए जो मॉइस्चराइज्ड हवा होती है उसके बाहर निकलने के लिए भी जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वो भी इसी तरह मैकेनिकली कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस टेक्निक में फ़ायदा ये होता है कि इसमें ये और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, क्योंकि वो जो टनल है जिसमें आप गर्मी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें पिछली टेक्निक में सन भी डायरेक्टली एक्सपोजर दे रहा है, इसमें सन की कोई डायरेक्ट एक्सपोजर फ्रूट पे नहीं आती, जिसकी वजह से अगर कोई जलने जुलने का थोड़ा सा इम्कान सूरज की डायरेक्ट रोशनी की वजह से है तो वो इस टेक्निक में वो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ये क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिहाइड्रेशन हो रही है, वो हवा सिर्फ कैप्चर करके अंदर लेके आई जा रही है, तो इसमें वो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हैसप सर्टिफिकेशन या ISO के जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आप उनकी सर्टिफिकेशन भी इस टेक्निक में मिल जाती है, और जिसकी वजह से आप ना सिर्फ ये लोकल इंस्टीट्यूशनल बायर्स को टारगेट कर सकते हैं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी इस प्रोडक्ट को तैयार किया जा सकता है। जो अगली टेक्निक है वो फ्यूल पावर्ड है। टेक्निक पे थोड़ा सा आपको कोई अंदाजा है कि हाउ कॉस्टली इज दिस वन? जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे फिजिबिलिटीज पड़ी हुई है, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो उसमें से दो फिजिबिलिटीज, एक फिजिबिलिटी जो है ये है इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग पे, और दूसरी फिजिबिलिटी पड़ी हुई है हाइब्रिड ड्राइंग पे। तो दो अलग अलग फिजिबिलिटीज बना के ऑलरेडी दोनों प्रोजेक्ट्स की पूरी पूरी, जिसमें उनकी प्रॉपर कॉस्टिंग, रेट ऑफ रिटर्न, मार्केटिंग डिमांड, हर चीज बड़े भरपूर तरीके से कवर की हुई है। तो आपको मेरे से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर जाके ये दोनों फिजिबिलिटीज डाउनलोड करके, बड़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है, 80-90 सफ़े की एक डॉक्यूमेंट है। हमारे व्यूअर्स के लिए हमने पीछे भी आपने बात की तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। हम अगली दफा कोशिश करेंगे जितनी भी फिजिबिलिटीज हैं इनका एक पूरा रिकॉर्ड हम अपने देखने वालों को शेयर करें और उनकी कोई थोड़ा सा प्राइसिंग मॉडल, ताकि किसी भी से फॉर एग्जाम्पल अगर कल मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि अगर मैं इतना बड़ा यूनिट लगाने जा रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, या उससे बड़ा लगाऊंगा या उससे बड़ा लगाऊंगा। जो बात अभी तक आपने की है ये तो बिल्कुल छोटे लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल से मुराद ये है कि आप अपनी लोकल डिमांड पूरी करते हैं उसको बेचने के लिए, और उसमें आपको मेरे ख्याल में जो आप उसका पैकिंग प्रोसेस है उसकी तरफ तो हम अभी गए नहीं, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैंने इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया है बिल्कुल हट के, तो उसमें यहाँ पे यूके का या पूरी दुनिया का एक ट्रेडिंग स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट है, उसमें उसकी वेटेज, उसकी सारा आपको सारी डिटेल लिखनी होती है, लेबलिंग, और उसमें उसकी शेल्फ लाइफ को जब आप लिखते हैं तो उनके पास, क्योंकि अगर आप उसने प्रॉपर तरीके से एयर सकिंग की हुई है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, या उसके बाद अगर वो मिसाल के तौर पे आप फ्रोजन फॉर्म में जाते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ तो नहीं होती, फिर तो वो बहुत बढ़ जाती है, जितनी देर तक फ्रोजन रहेगी उतनी देर तक ठीक रहेगी। तो ये वो जगह है, क्योंकि मैं इसलिए ये सारी बात कर रहा हूँ कि हमारे यूके में बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स आती हैं, भिंडियाँ, करेले, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं,
और लोग ज्यादातर यहाँ पे खरीदते ही ऐसे हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसकी क्वालिटी तो लोग देखते ही हैं, प्लस उसकी प्रिजर्वेशन। और मैं अक्सर जब खुद शॉपिंग करने जाता हूँ तो अगर कोई सामान पड़ा हुआ और उसके आगे पीछे बर्फ सी जमी हुई है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये पैकिंग जो सी है इसमें एयर सकिंग नहीं है या उस तरह की चीज नहीं है। लेकिन ये वो चीज है जिसको यहाँ के लोग समझते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि जरूरत क्यों नहीं है। देखिए, डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है इसकी बाकी प्रोसेसेस के मुकाबले में जो एक थोड़ी सी इसकी एडवांटेज है, इसमें बेहतरी है, वो ये है कि इसको कोई खास एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता स्टोरेज के हवाले से। ठीक है, ये आम कमरे में भी जो है इसको स्टोर किया जा सकता है। और हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पुराने वक्तों में हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो डिहाइड्रेट करके आम घर में इसको स्टोर कर लिया करते थे और बाद में उसको 4-6 महीने उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये नॉर्मल एम्बियंट एनवायरनमेंट में भी खराब नहीं होता। इसको प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है तो उसके ऊपर किसी किस्म का वो जो डिकेइंग का इफेक्ट है वो नहीं होता उस वजह से। इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जिस वक्त ह्यूमिडिटी के मौसम आते हैं, जब हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है, तो उस मौसम में ये वापस हाइड्रेट, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ये वापस हाइड्रेट हो जाए। जब आप डिहाइड्रेटेड टमेटोज हैं अगर उसको हांडी में डालेंगे तो वो हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसको पानी लगता है वो वापस जब वो हाइड्रेट हो जाता है उसके बाद वो एक आम फल फूल की तरह उसकी जो एक डिकेइंग का प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो उसको हम कह रहे हैं कि एयर टाइट कर लिया जाए और उसमें से हवा सक करने की जरूरत इसी वजह से नहीं है कि अगर आप उसको एयर टाइट नहीं करेंगे तो बारिश पड़ जाती है, मॉइस्चर आपकी हवा में बढ़ जाता है, तो वो कुछ थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो है वो आएगा और जिसकी वजह से वो जब डिहाइड्रेट होना शुरू होगा, उस डिहाइड्रेटेड फूड के अंदर मॉइस्चर कॉन्टेंट बढ़ना शुरू होगा तो वो डिकेइंग का प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एयर सीज कर दिया हुआ है और बाहर से कोई नया मॉइस्चर अंदर नहीं आ रहा उस पैकेट के, तो कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है कि उसके अंदर से हवा को सक किया जाए। ये इस टेक्निक की एक 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 एडवांटेज आप कह लें कि ये इसमें जो पैकेजिंग है वो रिलेटिवली सिंप्लीफाइड की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम ही करें, कमेंट्स में आपको नहीं दिखाऊंगा। हमारे व्यूअर्स सवाल जवाब कर रहे हैं, वो हम आइंदा से अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो भी कमेंट्स देते हैं उनके कमेंट्स दिखाए जाएं, जैसे अभी ये कमेंट्स हैं। सो मकसद हमारा यही है कि व्यूअर्स के जहन में अगर सवाल आते हैं तो जब मैं बात करता हूं तो आप बेशक व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स का ख्याल भी रखना पड़ता है। सो उस हवाले से मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसे भी हैं कि व्यूअर्स अपने कॉमेंट्स देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे देखने वाले कम से कम हमारे साथ एंगेज रहें। असल मकसद तो अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताने की है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। लेकिन मैं अगली दफ़ा कोशिश करूंगा कि व्यूअर्स अगर कोई सवाल भी करें तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जितनी भी आपकी गुफ्तगू हुई है इसमें आपने ये नहीं बताया कि जो प्रोसेसेस आप बता रहे हैं, अगर से फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज ए ओवरसीज इन्वेस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाके पाकिस्तान में ये काम करूँ, और मुझे उसके लिए जैसे आपने कहा कहाँ जाके सेटअप करना पड़ेगा, लोकल मार्केट में अपना वो क्या कहते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस रन करने के लिए अपनी कॉस्ट निकालने के अलावा, अगर मैं उसको एक बड़े लेवल पे आगे भेजना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, मार्केटिंग जो है ना इस पे डिटेल में बात एंड में दोबारा करेंगे हम, क्योंकि उसके लिए वो जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का, जो पूरी प्रोसेसिंग लाइन है उसको समझना भी जरूरी है। लेकिन क्विकली मैं अगर आपको बता सकूं तो वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी डिहाइड्रेट होके जो हमारी होलसेल की मार्केट है उस चैनल से कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है। जैसे
मिर्चे, हमने मिर्च की बात की या हमने बात की इसकी अनियंस की, ये आपके जो ये पके पकाए खाने के बॉक्स आपको मिल जाते हैं, वो रेसिपी बॉक्सेस, वो बेसिकली क्या होता है, वो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स और इस किस्म की चीज़ों को बीच में वो मिक्स करके तो वो डब्बा बना लिया जाता है और वो फिर आप उसको घर ला के पैकेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो ऑलरेडी एक पूरा निज़ाम, एक पूरा सिस्टम एक होलसेल के हवाले से भी और इंस्टीट्यूशनल बाइट्स के हवाले से भी मौजूद है। अच्छा, इसकी एक दूसरी भी वैल्यू चेन है और वो फ्रूट्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का एक पूरा निज़ाम और पूरा रिटेल एक चैनल मौजूद है, जहाँ पे जो है, जहाँ पे एक तरफ जो है वो बादाम और पिस्ते और मूंगफलियाँ वगैरह बेची जाती हैं, तो उन्हीं दुकानों पे आपको ड्राइड एप्रिकॉट, ठीक है, ड्राइड ग्रेप्स जो है, ड्राइड खजूर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आजकल के दौर में चंद दुकानों पे आपको इवन ड्राइड मैंगोज भी मिल जाते हैं, गवावाज भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ड्राइड मैंगोज, ड्राइड गवावाज जो है, ये ड्राइड अनियन तो बहुत बड़ी मकदार में एक्सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से, इसी तरह मिर्चें भी ड्राइड जो है बड़ी मकदार में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जा रही है, ये मसाला जात बना के उनको मिक्स करके भी कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, और इसी तरह जो है ये ड्राइड मैंगो के जो चिप्स कहने आप और गवावा के जो चिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं लेकिन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो मार्केट इसकी ऑब्वियसली कुछ मौजूद भी है और कुछ मेहनत, ऑब्वियसली जो भी बिजनेस आएगा उसको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी सी मैं इसमें और सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, ये जो हमारे सीरियल्स होते हैं, ये जो सुबह नाश्ते में खाए जाते हैं या एनर्जी बार्स होती हैं, ये तो आपके मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अब थोड़ी थोड़ी अवेलेबल हो गई है, इनमें भी ये ड्राइड फ्रूट्स डाले जाते हैं। आपके सीरियल्स भी आते हैं जिनमें साथ जो है चंक्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज कई दफ़ा डाल दिए जाते हैं, चंक्स ऑफ कोई लगे बेरी और दूसरी डाल दी जाती है, इसी तरह जो आपकी एनर्जी बार फूड बार्स होती हैं उनमें भी डाली जाती है। तो एक मतलब केक के बनाने में आप बेकरीज में जाएँ तो केक्स में आपको मिल जाती हैं, लेमन की डाल दी जाती हैं या सिट्रस की और किस्म का बीच में केक में डाल दिया जाता है। तो बहुत सारी इसकी यूजेज जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर एक मार्केट जो है इसकी मौजूद है। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज है कि आपने कहा कि मैंगो भी ड्राइड हो जाता है, तो क्या होता है उसके बाद वो अपनी शेप दोबारा बैक टू नॉर्मल आ जाता है? नहीं, ड्राइड का मकसद ये नहीं है ना कि उसको बैक टू नॉर्मल शेप में लेके जाना। मैं आपको, अगर आप इजाजत दें, मैं क्विकली आपको फ्यूल पावर टेक्नोलॉजी को बता के तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस है क्या, ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए कि फ्यूल पावर में जी पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर फ्यूल पावर टेक्नोलॉजी चल रही है क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होती। आपके यूके में और यूरोप में वहाँ पे वो कोई ना कोई बिजली से या गैस से या किसी और फ्यूल से जो है वो गर्मी पैदा करते हैं, सूरज की गर्मी क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, और उसको फिर वो उस कैबिनेट के अंदर लेके जाके हवा को, गर्म हवा को, तो वो इसको डिहाइड्रेट करते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहाँ पे दिन के टाइम पे जो है वो आप टनल को इस्तेमाल कर लें, टनल की गर्मी को, और उसके बाद जब शाम का वक्त होता है, जब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं रहती या सर्दी के महीनों में अगर आपने डिहाइड्रेशन करनी है तो आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिन के टाइम में टनल से गर्मी ले ली जाए और जब शाम का टाइम आए और टेम्परेचर एम्बियंट का कम हो जाए तो उस वक्त जो है ना कोई फ्यूल, किसी किस्म का फ्यूल हो सकता है जो बस गर्मी बेसिकली पैदा कर रही है, तो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे उस फ्यूल के थ्रू जो है डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाए। जो हाइब्रिड मेथड का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बैच का डिहाइड्रेशन का टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो कम हो जाएगा, जहाँ दो दिन लगने हैं वहाँ एक दिन में डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि रात के 12 घंटे भी वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता रहेगा। तो ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, और ऑब्वियसली जिस तरह आप सन ड्राइंग से सोलर पे आएंगे, सोलर से इंटरेक्ट सोलर पे जाएंगे, फिर फ्यूल पे जाएंगे, वो उतना प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, सोफिस्टिकेशन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो मार्केट की ऑप्शंस हैं वो भी एक्सपैंड होती जाएंगी। तो ये तो आपकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी होगी विद रिगार्ड्स टू द डिहाइड्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ। जब इस प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है तो अब ये इस प्रोसेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में बन क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ। ठीक है, ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि असल मकसद ये है कि पाकिस्तान में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं कि इस पर काम किया जाए,
क्योंकि यहाँ पे किसी ने काम नहीं किया और इसकी रिटर्न भी अच्छी है। आपको अगर जाके पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी ने, ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये काम करना है, ये वो इलाका है जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लोग रूटीन में लगे हुए हैं, अनटैप है। ये मुझे जरूर पता है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि पोल्ट्री अगर किसी ने शुरू की तो सब ने उधर शुरू कर दी। ये भी इसी तरह की फील्ड है कि आप कल को करेंगे तो आपको देखा देखी बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि उसमें भी उनको मार्जिन नजर आते हैं। रियलिटी में अगर आप एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाएं तो ये एक तरह से वही लोग करते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं कि भी हमें थोड़ा सा चीजों को आगे करना है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। फिर जैसे अभी आपने कहा कि जब कोई सामान बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे कोई ग्रोअर है, जब जब पीक सीजन होता है, जब बहुत सारा होता है, तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, आप उसको भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है कि जो चीज ऑफ सीजन है उसकी हो जाए। दूसरा यह है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे जूसेस जो उनसे हैं वो किए जाते हैं। इनिशियली मेरे ख्याल में वो भी ऑफ सीजन फ्रूट या बाज दफा फ्रूट अगर इस सिचुएशन में चल जाए, जो गलना शुरू हो जाए या उसकी इतनी, तो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कितना हाइजेनिक होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने ये देखा है कि नॉर्मली जितनी भी जूसेस बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या सारा कुछ है, वो ज्यादातर जो फल फ्रूट गलना शुरू होता है तो उसको ज्यादा, क्योंकि उनको सस्ता मिल जाता है, तो उसको आगे से करते हैं। अब मुझे तो ऐसे ही लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, सो मुझे उस पर भी करेक्ट कीजिए। तो दूसरा यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फील्ड्स, सो अब आप आ जाए बिजनेस की तरफ, थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बात सही की कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ये वो फील्ड नहीं है कि जहाँ कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका हो, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है, जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतने ज्यादा नहीं होते। जिस फील्ड में कॉम्पिटिशन कम हो, मार्केट अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेकिन बहुत सारे लोग उस काम को ना कर रहे हो, वहाँ पे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी आम तौर पे ज्यादा होती है। पाकिस्तान में की इन्वायरमेंट में अगर आप बिजनेस को देखें तो हमारे मुल्क में सब्जी अच्छी तादाद में अवेलेबल है और सस्ती अवेलेबल है। दुनिया की मंडियों से हमारी सब्जी सस्ती हमारे पास अवेलेबल है, तो इस वजह से रॉ मटेरियल के सस्ते रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, आपने बात की फूड की लाइफ की या क्वालिटी की, किस किस्म का फूड इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो नहीं, ये ऐसे नहीं है कि ये पुराना या गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी फ्रूट को जब ऑर्चर्ड में करते हैं, ऑर्चर्ड में जाके आप फ्रूट की पैकिंग करते हैं, तो उसमें होता ये है कि फ्रूट के मुख्तलिफ ग्रेड्स निकलते हैं। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा फ्रूट है, लेकिन किसी का साइज छोटा रह गया, किसी की शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो इस किस्म के फ्रूट को सी ग्रेड फ्रूट डिक्लेयर करके खुला बेच दिया जाता है। जो बी ग्रेड और ए ग्रेड फ्रूट है उसको पैक किया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान में जो एक आम आड़त का निज़ाम है वो इसी तरीके से चलता है कि वो नीचे आप बी ग्रेड फ्रूट लगाते हैं बास्केट के ऊपर, आप टॉप पे ए ग्रेड फ्रूट लगाते हैं, और जो सी ग्रेड फ्रूट है जिसको हम छांट कहते हैं, जिसमें फ्रूट में कमी किसी किस्म की नहीं है छांट में, लेकिन यह है कि उसका साइज बड़ा छोटा है या शक्ल थोड़ी सी डी शेप्ड है, तो वो टेबल फ्रूट के तौर पर लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या गरीब लोग उस किस्म के फ्रूट को ले लेते हैं क्योंकि खाने में तो उसके टेस्ट और क्वालिटी ठीक ही होती है, शक्ल थोड़ी सी थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तो वो इस किस्म के फ्रूट को जो है इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग के अंदर आमतौर पर। तो बजाय इसके कि हम जो टेबल फ्रूट है जिसकी हमें पूरी वैल्यू सीजन के अंदर मिल रही है उसको इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएं या कंज्यूमर के ऊपर भार डालें, हम आम तौर पे प्रोसेसिंग के लिए फूड को इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसको हम छांट कहते हैं या सी ग्रेड कहते हैं। ये किसी तरीके से भी गला सड़ा या पुराना नहीं होता, ख़राब नहीं होता, सिर्फ इसकी शक्ल सूरत जो है वो टेबल पे रखने के हवाले से बिल्कुल मतलब ए ग्रेड नहीं होती, थोड़ी सी कमी पेश की जाती है। तो ये दूसरी उसकी चीज़ आ गई। अब इसका प्रोसेस है क्या या कर बिजनेस लगाया कहाँ जा सकता है? बिजनेस लगाने की दो पॉसिबिलिटीज आपके पास मौजूद है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप मंडी के करीब लगाएं,
उसमें होता ये है कि पूरे इलाके की जो सब्जियां हैं वो वहां पे वो ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड अलहदा अलहदा होके आ जाती है। आपको मंडी में हर किस्म की सब्जी पूरा साल अवेलेबल होती है। आप वो सब्जी जो छांट वाली सब्जी है सी ग्रेड को मंडी से खरीद के तो उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब्जी क्योंकि मंडी तक आ चुकी है तो ये थोड़ी सी महंगी होगी, ठीक है, बेशक वो सी ग्रेड ही है लेकिन थोड़ी सी महंगी होगी। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आप साल भर हर किस्म की सब्जी अच्छे वॉल्यूम्स में अच्छी क्वांटिटी में आपकी जरूरत के मुताबिक अवेलेबल हो जाएगी, सब्जी फ्रूट हर चीज। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप फार्म पे लगाएं, फार्म के करीब लगाएं, जो फार्म के जो बड़े क्लस्टर्स हैं, जैसे अगर मैंगो की प्रोसेसिंग करनी है आपने तो साउथ पंजाब में लगाया जाए, मुल्तान के गिरदोनवा में लगा दिया जाए, ठीक है। उसका उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ही सस्ते दामों में, जो फार्म पे तो फल फ्रूट की बहुत ही सस्ते दाम होते हैं, मंडी में आके तो कई गुना वो बढ़ जाता है ना, 4 रुपए का टमाटर 40 रुपए का मंडी में बिकता है, तो फार्म पे तो जो आपको जो 4 रुपए की चीज मिलनी है वो तो बिल्कुल ही सस्ते दाम है। तो उसका लेकिन नुकसान ये है कि आमतौर पर पाकिस्तान में देखा यह गया कि क्लस्टर्स में काम होता है, जहां पर मैंगो का क्लस्टर है वहां मैंगो ही हो रहा है और कोई सब्जी नहीं हो रही और कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं। तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ये आ जाती है कि वो फिर उस पर्टिकुलर फ्रूट की जिसको उस क्लस्टर के अंदर जो पॉपुलर फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जब उनकी सीजन है तो तभी आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, और 30, 40, 50, 60 दिनों से ज्यादा का काम आपके पास होता नहीं है। फ्रूट इतने दिन ही अवेलेबल होते हैं ना, 2 से 3 महीने ही अवेलेबल होता है। तो मंडी का बेनिफिट ये है कि वहां पे सारा साल काम किया जा सकता है, मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे काम किया जा सकता है, थोड़े से महंगे मिल जाते हैं। उसको फार्म पे लगाने का या क्लस्टर पे लगाने का फायदा यह है कि बहुत सस्ते में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो है ना पूरे साल का कारोबार का मॉडल नहीं बनता, वो चंद महीने, मतलब अगर उस क्लस्टर में टबलेट से टमाटर भी हो रहा है और आम भी हो रहे हैं तो चलो 4-6 महीने आपके जो है वो उसमें निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ से अगर पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट कर सकता है तो उसके पास हर एक की अपनी अपनी लोकेलिटी है जहाँ लोग कुछ कंफर्टेबल होते हैं, पाकिस्तान और पंजाब इतना बड़ा है या पूरा पाकिस्तान इतना बड़ा है, केपीके में और सिचुएशन होगी, इसी तरह बलूचिस्तान सिंध में और सिचुएशन होगी, तो जहाँ जिसको सूट करता है, जहाँ जिनको किसी ना किसी किस्म की फल की अवेलेबिलिटी है वहाँ वो लगा सकता है, अगर वहाँ नहीं तो मंडियों में तो वो बिल्कुल लगा सकता है, यानी कि मंडियों के पास अपना अपना यूनिट खड़ा करते हैं तो वो उसे कर सकते हैं। अब इसमें मुझे सिर्फ ये बताएं कि मार्जिन कैसा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जब कोई बंदा जाके वहाँ पे लगाता है उसको सब्सिडाइज कर रही है या किसी किस्म की फैसिलिटी दे रही है, जो आपने कहा कि वैसे तो सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं लेकिन अमूमन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं कोई भी काम करने से पहले वो देखते हैं कि हमारे लिए इन्वायरमेंट सूटेबल होगी कि नहीं, या हम काम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, और इस काम के लिए आपको लेबर भी आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा हट के काम है, तो इसमें किसी किस्म की एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, ये भी थोड़ा सा क्लियर करें। जी आपने जो पहले बात की वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से हमारे डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के हवाले से मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है बिजनेस मॉडल्स, इसी तरह लोकेशन के हवाले से भी मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है। आप मंडी में लगाएं तो वो एक मॉडल है जिसमें 120 डेज 180 डेज का प्रोडक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप उसको फार्म पे लगाएं तो वो दूसरे किस्म का मॉडल है जहाँ पे कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ लेकिन ज़्यादा सस्ते पे काम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स हैं जो लोकेशन के हवाले से भी आपके पास ऑप्शन मिलेगा। ड्राई हेड की जो बात कर रहे हैं तो फिर ये सारा काम तो सीजनल हो गया ना, यानी कि ये सीजनल काम है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं जाके काम करता हूँ तो मैं इसमें अगर इंटरेस्ट देता हूँ तो ये मुझे पता है कि ये सीजनल काम है, ये 3 या 4 महीने रहेगा, ठीक है, उसके बाद जी अगर आप मंडी पे लगाते हैं फिर तो सारा साल काम हो सकता है, ठीक, अगर आप फार्म पे लगाते हैं तो वो फिर सीजन काम हो सकता है, ठीक है ना। मंडी पे फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में गाजरें आ जाती हैं, जनवरी फरवरी या आपकी गाजरों का मौसम आ जाता है, प्याज सारा साल आ सकता है, ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं थोड़ा सा टमाटर आ जाते हैं, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आम आ जाता है और बाकी के फल फ्रूट आ जाते हैं,
उससे आगे तो अगर मंडी है और आप मंडी में तो पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से फल आ रहा होता है तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पास फल की पूरे साल की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, सिर्फ जो थोड़ा सा आपको सीजनल अगर आपने काम करना है पूरे साल नहीं करना लेकिन बहुत सस्ते में प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसका तरीका ये है कि अगर मैंगो का है तो आप वो मैंगो के फार्म के करीब जाके लगा लें ताकि वो फार्म से आप प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली कर लें बहुत सस्ते में। उसका दूसरी साइड ये है कि वो सारा साल का काम नहीं हो सकता, वो चंद महीने का काम होगा। ठीक, अच्छा इसमें सिर्फ मैं एक बात, क्योंकि मैं इस वक्त जो सारा प्रोग्राम करने का मकसद है कि कोई भी बंदे अगर पाकिस्तान में जाके ये काम करना चाहते हैं इसकी रिटर्न अच्छी है, वहां से थोड़ा सा अंदाजा दें कि किस तरह की रिटर्न, अगर आपको कोई अंदाजा है। मैं अगर आप मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से जाता हूं, मैंने वहां ये बिजनेस करना है, ठीक है, ऑब्वियसली जगह तो मैं जाके चूज करूंगा, आई डू माय सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी आपको बहुत सारी साइटें बता रही हैं, सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है, सो उनको भी चूज किया जा सकता है और इस तरह की बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। उसके बाद इसको अपना जो कहते हैं ना कैश फ्लो चलाने के लिए आप इसको लोकल मार्केट में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद आगे उसको लेके एक्सपोर्ट करना चाहेंगे जो वैसे भी पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की चीजों पे कोई रिबेट रखी हुई है, कोई ऐसी चीज है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया कि फॉर्चुनेटली ये वाला जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट में कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा आए एक नेशनल टैक्स नंबर ले और अपना एक काम शुरू कर दे। जो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो जैसे मैंने आपको बताया फिजिबिलिटीज कहाँ पे रॉ मटेरियल है कहाँ पे मंडी है वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे गवर्नमेंट के इदारों ने ऑलरेडी अवेलेबल की हुई है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूँ। देखिए एक ग्रांट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट अभी शेप अप करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूँ। लेकिन हमने जब एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी तो उसमें हमने ये खास तौर पे रिकमेंड किया था और गवर्नमेंट इसको लेके आगे चलना भी चाह रही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि हॉर्टिकल्चर की वैल्यू एडिशन में काम करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको मैचिंग ग्रांट्स दे। मैचिंग ग्रांट ये होती है कि वो बिजनेस सेलेक्ट किया जाता है उसको एडवाइजरी सपोर्ट कंसल्टेंट्स की शक्ल में गवर्नमेंट सब्सिडी पे अवेलेबल करती है और जो वो मशीनरी लेना चाह रहे होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पैसे जो है वो मशीनरी की कुछ पैसे इन्वेस्टर डाल देते हैं, कुछ पैसे गवर्नमेंट जो है वो उसमें सब्सिडी के तौर पर देती है। और ये नहीं मैचिंग के लोकल बिजनेसों के लिए किया गया है या ओवरसीज के लिए भी किया गया? ये कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है फॉर एज लॉन्ग एज यू आर अ पाकिस्तानी नेशनल लिविंग इन पाकिस्तान और लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, फॉर एज लॉन्ग एज यू आर अ पाकिस्तानी नेशनल एंड द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। ठीक ठीक, लेकिन मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि ये मैचिंग ग्रांट्स जो है ये मुख्तलिफ डोनर्स USA डिफिट वगैरह अपने पाकिस्तान में करते रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमने पॉलिसी में उनको रिकमेंड किया है कि जब तक आप इस किस्म का इंसेंटिव नहीं देंगे तो लोग अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक नई फील्ड है, तो वो पॉलिसी में हमने ये चीज़ डाली है, गवर्नमेंट कीन भी है करना भी चाह रही है लेकिन अभी वो प्रोग्राम प्लानिंग फेज के अंदर है। तो मैं ज़रा इसलिए इस पर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि आगे क्या होना है वो भी हमें पता नहीं है। प्लस एक एक्सपोर्ट जो भी चीज़ होती है तो एक्सपोर्ट पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक्स और सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑलरेडी भी दे रही है, तो वो एक वो सिर्फ इस सेक्टर के लिए बात कर रहा हूं। एक जमाने में पाकिस्तान में था तो आप मैं अक्सर कारपेट एक्सपोर्ट करता होता था, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें ये होता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 17% रिबेट देती थी। ठीक है, जी जी बिल्कुल। और लोग बाज दफा ये भी होता था कि रिबेट में अपना मार्जिन करके बाज दफा आपको आपको कोई चीज इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है लोग उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को फॉरेन, सो ये इस तरह की चीजें भी अभी अवेलेबल हैं वहां पे ताकि ये वो निजाम जो आप जिसको रिबेट कह रहे हैं जिसको हम ड्रॉबैक कहते हैं वो निजाम एज इट इज आज भी उसी तरीके से फंक्शनल है।
और कुछ अर्से पहले क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसों की बड़ी कमी रह गई थी तो कुछ एक बैकलॉग बना हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं एक दो दफ़ा मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर रजाक दाऊद के साथ भी मिलना हुआ जब मैं एग्रीकल्चर के साथ काम कर रहा था, तो उनके ऊपर भी ये बड़ी उनके एक दिल की बात थी कि यार ये मैं पिछला बैकलॉग क्लियर करूँ ताकि एक्सपोर्टर के पास जो है ना ज़रा फंड्स अवेलेबल हों और एक्सपोर्ट हमारे मुल्क में बढ़े। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक का मैकेनिज्म ये है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने लोकल कंज्यूमर को बेचते हैं तो मुख्तलिफ स्टेप्स से होते होते उस पर बहुत सारी टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे कर दी गई होती है। ठीक है, जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो आप एक्सपोर्ट मार्केट में वो ड्यूटीज तो लोकल कंज्यूमर के लिए आपने रखी हैं कि लोकल कंज्यूमर जब कंज्यूम करे तो वो उस पर टैक्स पे करे। ठीक, जो एक्सपोर्ट होनी है तो एक्सपोर्ट के मुल्कों में तो अपनी टैक्सेस का और ड्यूटीज का और अपना निज़ाम है। ठीक है, तो वो उस किस्म के तो उसको उनके सिस्टम में लेके जाने के लिए और अपने सिस्टम से आज़ाद करने के लिए जो उस पर ऑलरेडी टैक्सेस कलेक्ट कर लिए गए होते हैं अब तक के, वो वापस गवर्नमेंट दे देती है टू द एक्सपोर्टर। ये जी ये टैक्सेस हमने कलेक्ट किए थे लेकिन ये लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बन रही थी इसलिए कलेक्ट किए थे, लेकिन क्योंकि आप ये लोकल मार्केट में सेल नहीं कर रहे आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो टैक्सेस हमने आपसे कलेक्ट कर लिए हुए हैं ये आपको वापस दे रहे हैं। एक, एक, एक तरह का है वो निज़ाम अभी तक एज इट इज वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा उसमें क्योंकि हमारा बिल्कुल टाइम 4-5 मिनट है कि आज इस सब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे हम, मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा जाके किसी किस्म की भी तो उसके लिए उनको वो पैकेजिंग करने के लिए कहीं लोकल मार्केट से पैकेजिंग करवानी पड़ेगी या उनको वो सिस्टम भी लगाना पड़ेगा कि उसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपोर्टर और मैं बाहर भेजना चाहता हूँ और मैं उसको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक भेजना चाहता हूँ, क्या मुझे फिर क्या ये सारा काम बाहर से आउटसोर्स करना पड़ेगा या खुद लगाना पड़ेगा? मैं आपको कुछ ही प्रोसेस को बता देता हूँ और बेहतर यही है कि इसको इस प्रोसेस को इन हाउस ही ज़्यादातर रखा जाए, आउटसोर्स ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि वो जो फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी तभी इंश्योर किए जा सकते हैं कि जब ये सारे प्रोसेस जो हैं एक फैसिलिटी के अंदर ही किए जाएं और वो फैसिलिटी जो है उसकी सर्टिफिकेशन करवा ली जाए। सबसे पहले ये जब फ्रूट आता है तो उसकी सॉर्टिंग की जाती है, जो थोड़ा सा पुराना गला सड़ा फ्रूट है उसको निकाल के साइड पर कर लिया जाता है, जो अच्छा ताज़ा फ्रेश फ्रूट है उसको आगे लेके जाया जाता है। सॉर्टिंग का प्रोसेस मैनुअल होता है, कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है, लेबर खड़ी होती है और वो उसमें से पिक करके साइड पे थ्रो की जाती है, कटी जाती है गले सड़े फ्रूट्स। वो एक अलहदा से कन्वेयर ऊपर लगी होती है, वो जाके बाहर जो है ना गला सड़ा फ्रूट बाहर ले जाती है कन्वेयर बेल्ट। उसका अगला मशीन के ऊपर ही उसकी वॉशिंग है। अगर कोई फार्म लेवल पे है तो ये सारे प्रोसेस मैनुअली भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मशीन बेस्ड है सारा सिस्टम। ठीक है, इसकी मैनुअल करना तो हम समझ जाएंगे कि कैसे होता है। वॉशिंग की जाती है, सिंपल पानी में इसको वॉश किया जाता है, ब्रशिंग की जाती है, वो कन्वेयर के ऊपर ही ब्रश लगे होते हैं वो उस पर से गंद वगैरह उतार देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी पीलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे गाजर वगैरह, तो उसको एक मशीन के थ्रू पील कर दिया जाता है, उसके ऊपर से स्किन उसकी रिमूव कर दी जाती है। अक्सर फ्रूट्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन कुछ फ्रूट्स में इसकी ज़रूरत होती है। स्लाइसिंग और डाइसिंग की जाती है, जब आपने किसी भी चीज़ को डिहाइड्रेट करना है तो वो उसकी मोटाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आप रख सकते, वो चंद इंच। अगर आपने आम है तो आम को छोटी छोटी फाड़ियों में काटना है, टमाटर है तो उसको छोटी छोटी फाड़ियों में काटना है। चंद ऐसे फ्रूट्स हैं जो एज इट इज़ भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जैसे खजूर हो गई क्योंकि वो मोटी नहीं होती, वो डिहाइड्रेट वैसे ही हो जाती है। अंगूर हो गए वो ऐसे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आपको छोटे छोटे डाइसेस में काटना पड़ता है। तो एक तरह का वो जैसा चिप्स नहीं बनते आलू के, तो थोड़ी सी आपको टिक से आलू इस तरह काटना पड़ता है। ये करने के बाद जो है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कहते हैं ब्लांचिंग। ओके, ये करनी पड़ती है, ये समझने की चीज़ है। आप मैनुअल करना चाहे तो मैनुअल कर ले वरना मशीन बेस्ड भी अवेलेबल है। ये है कि 75 डिग्री से लेके 100 डिग्री के टेम्परेचर पे पानी, गर्म पानी के अंदर से इसको गुजारा जाता है, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए उसमें से गुजारा जाता है। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि भाप, गर्म भाप के थ्रू भी मशीन, अगर आपने ज़्यादा एडवांस मशीन की हुई है तो वो गर्म भाप के अंदर से गुजार लें वरना गर्म पानी के अंदर से गुजार लें। उससे होता ये है कि इसके अंदर हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिके करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब इस गर्म पानी के प्रोसेस में से गुजार लेते हैं तो वो सारे एंजाइम्स इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है,
पहले गर्म पानी में से गुजारा जाता है, उसके बाद ये ठंडे पानी में से गुजारा जाता है, तो उसका टेम्परेचर भी फिर एकदम वापस आ जाता है। इसको करने के बाद कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, मतलब ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो, उनके लिए आपको सिर्फ ब्लांचिंग का प्रोसेस इज सफिशिएंट। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका डीकलरेशन हो जाती है, मतलब अगर आप केले को रखें तो वो ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेब के अंदर भी यही प्रॉब्लम देखी गई कि जब आप उसको काट के रखें कहीं पे तो उसका रंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म के फलों और फ्रूट्स को प्री ट्रीटमेंट भी दी जाती है, ज्यादातर को नहीं दी जाती, जरूरत नहीं है, लेकिन चंद को जरूरत है जिनकी डीकलरेशन नेचुरल डीकलरेशन होती है, तो उनकी उसके अंदर उस जो कुछ केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, जिस तरह सिट्रिक एसिड है ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इसमें जी सल्फर डाइऑक्साइड है, चीनी भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, चीनी का भी वही इफेक्ट होता है, अगर आप सिंपल शुगर अप्लाई कर दें अपने फूड पे तो उसका भी इफेक्ट होता है कि अच्छा जब ये थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया जाए इसको, अच्छा अगर वो नमकीन रखना है तो उस पर नमक भी लगाया जा सकता है। ये जो प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस है ये केमिकल बेस्ड भी है और नमक के साथ भी हो सकता है और चीनी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें उस पर लगा दी जाती हैं वो तो अक्सर वो जो आप देखते हैं कि वो केले का रंग तब्दील हो रहा है या सेब का रंग तब्दील हो रहा है, ब्राउनिंग से शुरू हो जाती है, वो भी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में वो नहीं होता। तो ब्लांचिंग के प्रोसेस से ज़्यादातर फ्रूट्स में जो उसकी शेप खराब होनी है, उसकी कलर खराब होना है, उसकी शक्ल खराब होनी है, ज़्यादातर फ्रूट सिर्फ ब्लांचिंग के प्रोसेस से ही जो है वो ये मसला हल हो जाता है। चंद फ्रूट्स जिनमें ब्राउनिंग का मसला होता है उनमें थोड़ा सा आपको केमिकल या चीनी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रीटमेंट से। इसको करने के बाद आप उसको ट्रेज में लोड करें और डिहाइड्रेशन चैम्बर में डाल दें। ठीक है, वो दो दिन में एक बैच डिहाइड्रेट होना है या एक दिन में, डिपेंडिंग ऑन आपकी टेक्नोलॉजी क्या है। जब एक दफ़ा वो डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसके बाद आपने उसकी एक दफ़ा कंडीशनिंग और करनी है। इसकी मैं वजह समझा देता हूँ। जब हवा से डिहाइड्रेशन होती है, हो रही होती है, तो अक्सर होता यह है कि जो आपका डाइस है, फ्रूट का डाइस है, उसके ऊपर वाली स्किन जो ड्राई हो जाती है, सेंटर के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है। ठीक है, जब आप इसको एज इट इज उठा के पैक कर दें तो वो मॉइस्चर कंटेंट के अंदर वाला जो है वो बाहर निकलता है और फिर वो खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक, तो आपको करना ये पड़ता है कि एक दफ़ा इसको डिहाइड्रेशन चेंबर से निकालें, ओवरनाइट इसको रखें नॉर्मल एम्बियंट एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि वो जो मॉइस्चर है वो दोबारा से बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको कंडीशनिंग के लिए थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा डिहाइड्रेशन के चैम्बर में डाल दें। तो एक दफा आपने उसको डिहाइड्रेट कर लिया, फिर उसको जब आपने बाहर निकाला तो जब बाहर निकाल के आपने उसको ओवरनाइट रखा है तो जो उसका मॉइस्चर है वो दोबारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जब आपने उसकी अगली दफा डिहाइड्रेशन की तो वो वाला मॉइस्चर भी उसमें से निकल गया। तो ये कंडीशनिंग का प्रोसेस आपको करना पड़ता है ताकि वो इवनली जो है ना सारा मॉइस्चर इनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से डिस्बर्स हो जाए। जब एक दफा वो मॉइस्चर अब निकल गया कंडीशनिंग के बाद तो सिंपली आप उसको फूड ग्रेडेड प्लास्टिक में डालें और ऊपर से सील कर दें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप उसको एक नॉर्मल कमरे के एनवायरमेंट में स्टोर कर सकते हैं। आपको कोई फ्रीजर की, रेफ्रिजरेशन की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। उसको आप स्टोर कर लें, उसका वजन भी कम हो जाता है, तो उसको हैंडलिंग चैंडलिंग भी, पानी जब उसमें से डिहाइड्रेट हो जाता है तो वजन बहुत कम रह जाता है, तो वो उसकी हैंडलिंग चैंडलिंग भी बड़ी, वेट वगैरह भी कम होने की वजह से आसान हो जाती है। तो उसको आप नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट में उसको मेंटेन करें, मुख्तलिफ किस्म के रूडेंट से प्रोटेक्ट कर लें, जैसा चूहे वगैरह है, एनवायरनमेंट ऐसी हो कि कम अज़ कम उस तरह की प्रोटेक्शन है उसकी हो। तो ये इसका सारा प्रोसेस है जिससे आपकी डिहाइड्रेशन कम्प्लीट हो जाती है। वही सारी चीज़ें जो आपने मशीन पर मैकेनाइज तरीके से की है, अगर आप बड़े लेवल पर प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं उसको आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा फार्म लेवल पर कर रहे हैं, वो जो चीनी मशीन से लगनी है वो चीनी हाथ से भी लगाई जा सकती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा आपने बेशक हाथ से काम करना है, बेशक मशीन पे काम करना है, जो एक बुनियादी सेफ्टी गेयर है, फूड सेफ्टी गेयर्स हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें वो सर पे पहनने के लिए जो है, ताकि बाल जो है वो गिरे ना, मुंह पे पहनने के लिए जो है वो कपड़ा इस्तेमाल करें, ग्लासेस गॉगल्स इस्तेमाल करें। अगर आपने हाथ से चीज़ें काटनी है तो जो यूटेंसिल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ होने चाहिए। तो आप वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम एक घंटा चार मिनट हो गया, जब हमने सोचा था कि आज हम छोटा करेंगे, बहरहाल आज हम इस सब्जेक्ट को यहीं रखते हैं। ये तो आप इसको थोड़ा सा कंडोन करें
कि पक्की बात है कि इसकी वहाँ लोकल मार्केटिंग भी मौजूद है, बाहर भेजने की भी है, और ये वो जगह है जहाँ पे आप एक बड़ा अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, और अगर आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, और वैसे ही जब आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो तब भी एक तरह से गवर्नमेंट को फायदा होगा और आपके पास एक अच्छा मार्जिन होगा, क्योंकि आने वाले दिन में ये जब से COVID-19 आया है दुनिया की हयात चेंज हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस गिर रहे हैं, लोगों को अपने आप को बेटर करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशन शायद उतने प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, लोगों को आगे लेके चलना होगा, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ये वो जगह है जो सारी आपको बताई जा रही है, इससे आपका भी फायदा होगा, हमारे मुल्क का भी फायदा होगा, और सबसे बढ़ के कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और तीसरी बात गवर्नमेंट इस वक्त इनकरेज कर रही है, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी ना किसी किस्म की रिबेट भी मिलेगी जो बेसिकली आपकी कॉस्ट को कवर करेगी, सो बहुत सारी चीजें हैं, उसकी डिटेल्स तो जब आप जाएंगे तो अगर इसको हमने ज्यादा प्रॉप करना है तो फिर हम इसको देखेंगे, तो बहरहाल क्योंकि प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया, बाबा साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने प्रोग्राम को छोटा करना था लेकिन ज्यादा कर दिया, आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सब दोस्तों को देखते रहें नया दिन टीवी, और हम इसी तरह आपके साथ बड़े इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम और पाकिस्तान में जो एक अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन है उसकी तरफ आपको लेके आएंगे, तो हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले ट्यूजडे इसी टाइम, फहीम मलिक एंड बाबा मलिक, बहुत शुक्रिया।